किसी भी समाज के उत्थान के लिए उस समाज का शिक्षित होना आवश्यक होता है। शिक्षा के माध्यम से ही हम अपने विचारों को उड़ान दे सकते हैं। भारत देश की नींव उसकी गांव की व्यवस्था है, और जब तक आप इस गांव व्यवस्था में शिक्षा के स्तर को सशक्त नहीं कर सकते, तब तक गाँव वासियों को मुख्य धारा में लाना असंभव है। उत्तर प्रदेश के अधिकांश गाँव में सरकारी शिक्षा व्यवस्था बुरी तरह से चरमराई हुई है। कहीं स्कूलों में शिक्षकों का अभाव है तो कहीं स्कूलों में बैठने की व्यवस्था और बाउंड्री भी नहीं है। वहीं कहीं देखने को मिलता है कि गाँव वासियों में शिक्षा के प्रति जागरूकता का अभाव है। वहीं हम कह सकते हैं कि आज भी गाँव में शिक्षा का स्तर सुधरा नहीं है। इसी के तहत एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद मुरादाबाद के ब्लॉक बुलारी में स्थित गाँव रामपुरा धतरा पड़ा। वर्तमान में गाँव के प्रधान सत्यवीर सिंह है। वर्तमान प्रधान द्वारा गाँव में विकास कार्य बेहतर ढंग से कराए जा रहे हैं। वहीं बात अगर शिक्षा के स्तर की जाए तो गांव के प्राइमरी पाठशाला में लगभग 85 बच्चे शिक्षा ग्रहण करते दिखाई दिए, जो शिक्षा की बदहाल स्थिति को बयां करने के लिए काफी है। वहीं बात अगर विकास कार्यों की जाए तो वर्तमान प्रधान ने गांव में 600 मीटर सीसी टाइल्स रोड, स्कूल की बाउंड्री, 300 मीटर खड़ंजा, शमशान घाट, स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालयों का भी निर्माण कराया है, तथा गाँव को स्वच्छ रखने के लिए गाँव में कूड़ेदान भी लगवाए गए हैं। वहीं पेयजल आपूर्ति के लिए गाँव में हैंडपंप लगवाए गए हैं, तथा कुछ और हैंडपंप लगवाने की सरकार से मांग है। वहीं विद्युत व्यवस्था दुरुस्त कराने के लिए गांव में विद्युत पोल, विद्युत ट्रांसफार्मर तथा 20 सोलर लाइटें भी लगवाई गई हैं। वहीं एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान ने गांव में सड़क निर्माण, पंचायत घर, स्वास्थ्य केंद्र तथा जूनियर हाई स्कूल के निर्माण की मांग राज्य में केंद्र सरकार से की है। मैं सतवीर सिंह, ग्राम प्रधान धतरारा। मैंने अपने गाँव में काफी विकास करा चुका हूँ। 600 मीटर सीसी, 300 मीटर लंजा और शमशान घाट, स्कूल की बाउंड्री, शौचालय का काम चल रहा है, लेकिन सड़कें कुछ नाले नहीं है, गंदगी हो रही है नालों के वजह से। उसका वो काम क्लियर कराया कि पैसा नहीं है खाते में। और यहाँ स्वास्थ्य केंद्र की जरूरत है, पंचायत घर की जरूरत है, जूनियर हाई स्कूल की जरूरत है। इसकी मांग हमारी पब्लिक उठा रही है और काम कराते हम, लेकिन किस तरह न आने की वजह से काम रुका पड़ा है पेंडिंग। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि वर्तमान ग्राम प्रधान द्वारा गांव में बहुत से विकास कार्य कराए गए हैं, लेकिन राज्य सरकार से मिलने वाली धनराशि की किस्त समय पर न मिलने के कारण गांव में विकास कार्य धीमी गति से चल रहा है। धतरारे का निवासी नेमपाल, सही है। और साहब, हमारे प्रधान जी ने बहुत काम अच्छे कराए हैं। एक शमशान घाट बनवाई है और सीसी टेलर करवाई है और सूर्य लाइट लगवाई है। मैं गांव का निवासी हूँ। प्रधान जी ने आज कलंड